सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11। सो ये क्लास 9 का मैथ्स का कौन कंस्ट्रक्शन चैप्टर, ठीक है ना। तो 12 पॉइंट आपका कितना, 11 11। चैप्टर 11.1 में सिर्फ कुछ ही चीज है, क्या क्या बनाना है कि हम लोग को हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ हाउ टू ड्रॉ सबसे पहले आएगा 60 डिग्री कैसे बनाना है, पहला पॉइंट है। 60 सीख गया, उसका आधा कर दो तो आगे आपका कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तीन नंबर, 13 30 का आधा कितना होगा, 15 डिग्री। ये चीज लिए ना, इसके बाद हम लोग सीखेगा नंबर नंबर फोर्थ में सीखेगा हम लोग कि 120 कैसे बनाता है। दो बार 60 बनाएगा तो आपको 120 हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर बनाएगा कि 120 सीखेगा तो हम लोग 90 सीख जाएगा। 90 सीख जाएगा तो उसका आधा कर दो आपको बन जाएगा 45। 45 का आधा कर दो तो आपका बन जाएगा 22 हाफ। इसके बाद हम लोग सीखेगा ये 7 होगी, इसका क्या होगा, 8 नंबर में हम लोग 7 या फिर 8 नंबर में हम लोग सीखेगा कि सर 105 कैसे बनाता है। बाद हम लोग सीखेगा आपका 75 कैसे बनाता है, इसका हम लोग सीखेगा 135 कैसे बनाता है। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट बुक में ये सीख गया तो आप 12.1 खत्म, 12.1 खत्म है इजीली। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सर 60 डिग्री कैसे बनाता है, 60 डिग्री कैसे बनाता है बिना प्रत्यय का। अरे हमने सीखा कि भाई साहब कि 60 को कैसे बनाता है, अभी देखो ध्यान से। सिक्सटी को कैसे बनाता है हम लोग, ये हम लोग का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप किया हम लोगों का कि एक लाइन बनाना सर करके, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, क्या बनाएगा, पहले एक लाइन बनाएगा सर, ठीक है ना, बना लिया लाइन। एंड यू डू दिस वर्क विथ पेंसिल, ठीक है ना। हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम थोड़ा मार्क को अच्छा से देखने के लिए हम लोग पेंसिल बना रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट राइट, यू आर बिगिनर फॉर इस, सो यू ड्रॉ विथ पेंसिल से बनाओ। तो इसी को आप क्या मान लेना, एक सेंटर ओ मान लेना, ठीक है ना। हम लोग क्लास 3 4 में 60 डिग्री कैसे बनाना था, हाउ वी यूज टू मेक इन क्लास 6 6 में हम लोग 60 डिग्री कैसे बनाना था, वी टेक प्रोजेक्टर ऐसे करके हम लोग ये वाला क्लास में इसको यहाँ पर रखेगा और 60 कहाँ पे हम लोग यहाँ पर ढूंढ के हम लोग ऐसे मार्क करता था राइट। ये तो हम लोग क्लास 9 में हम लोग बिना प्रोजेक्टर का बनाना होगा 60 विद द हेल्प ऑफ ओनली कंपास एंड पेंसिल, ठीक है ना। अभी 60 कैसे बनाएगा, बहुत इजी है। तो स्टेप्स क्या है कि आप अपना अपने हिसाब से, ज़्यादा बड़ा ये मत लो, ज़्यादा छोटा ये मत लो, मीडियम हिसाब में इतना 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 लेंथ का एक रेडियस लो, ठीक है, इतना एरिया में एक रेडियस लो, ठीक है ना। क्या करेगा, अब वो ओ को सेंटर मान के, सेंटर मान को अब क्या करेगा, एक आर्क बनाएगा ऐसा करके, बना लिया ओके। इसके बाद स्टेप है जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, जैसे कि ये पॉइंट में आपका इंटरसेक्ट किया, इसको मान लो एम बा पी जो भी मानो, अब ये इसको मान के वही रेडियस, सेम रेडियस लेगा, रेडियस को चेंज मत कर रहा, कि वो रेडियस को मान के आप क्या करना है, ऐसा करके कट कर देना, इसमें एक कट कर देना, ठीक है ना। अब वो कट को इस सेंटर से आप क्या कर देना, कनेक्ट कर दो, क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, और आपका 60 डिग्री बन चुका है। ये आपका कितना है, 60 डिग्री। कैसा लगा, समझ में आया, अच्छे से नहीं आया बोलो, क्लियर है सब कुछ, फंटास्टिक। अभी 60 सीख गया भाई तो 30 भी सीख गया, क्या करेगा, 30 बनाने के लिए क्या करेगा, 60 को आधा कर देगा, हम उसको अलग से बनाएगा ये वाला डायग्राम है, तो वही लाइन को फिर से हम एक्सटेंड करते हैं, ये अलग लाइन है, ठीक है ना, ये अलग लाइन है, इसके लिए हम इसको सेंटर को मानते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सेंटर ओ है, ओ टू मान लेते हैं अभी के लिए। सेम थिंग, सेम सेम स्टेप से एक रेडियस मान लो ऐसा करके, अपना मर्जी का एक रेडियस मान लो, और कंपास ज़्यादा टाइट भी मत करो, ज़्यादा लूजिंग नहीं करने का, पेंसिल इतना शार्प भी मत लो टूट जाएगा निब जो। तो आप क्या करो, ये इसको सेंटर मान के ऐसा करके एक आर बना, ऐसा करके बना लिया ना, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, इसको सेंटर मान के अब ऐसा करके ऐसा करेगा। तो ये जो जंक्शन है, ये तो पॉइंट एम है, इसको क्या करेगा, करंट करेगा। ये तो कितना डिग्री था, ये
सिक्सटी 60। अब इसको आधा करेगा, आधा कैसे करेगा, आधा करने के लिए आप इसको सेंटर मानेगा और इसको सेंटर मान के बाहर में आर्क बनेगा, तो बाहर में आर्क बनेगा ठीक है ना। इसको सेंटर मानेगा, इसको एक आर्क बाहर बनाएगा और इसको सेंटर मान के बाहर में एक दो आर्क बनाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप इस सेंटर से आप कनेक्ट कर देगा, देखो आधा हो गया उसका ठीक है ना। पहले से था सिटी का आधा, आधा वैन डिवाइड आधा से कर दे, इसका पॉइंट को लेकर मार दो बाहर, काटो तो ये बन जाएगा आपका 43 डिग्री। कैसा लगा, समझ में ये आया। अभी इसको वापस और 15 बनाना है तो क्या कर, अभी इसको और इसको सेंटर मान के फिर बाहर में और काट देना है तो ये 15 हो गया, समझ में नहीं आया है। हम वो भी देखा था, 15 भी देखा देते हैं, सिंपल आप सेम लाइन को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, अभी इसको सेंटर मान लो ओ थ्री बोल के, क्या करो कि ओ थ्री को सेंटर मान के, ओ थ्री को सेंटर मान के फिर से आप एक आर्क बनाओ, है कि नहीं, आर्क बनाओ, बना लिया ना फर्स्ट स्टेप, मतलब एक ही बार 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 कर रहे हैं कि एक ही चीज़। अभी इसको सेंटर मान के फिर से क्या करेगा, एक आर्क बनाएगा ठीक है ना, और यहाँ पे एक आर्क बनाएगा, जल्दी कर रहे हैं स्मार्टली ठीक है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यह आपको तुम्हारा डायरेक्ट 31 बन गया है कि नहीं, ओके जरूरत है ना हमको 60 चाहिए, डायरेक्ट बना दिया 30। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एम पी एम मान लेगा, अब इसको जो भी मान लो पी मान लो एम एन मान लो। अब क्या करो फिर से अभी एम और एन को लेके, क्योंकि अब 30 है ये, हमको चाहिए इसका आधा राइट। क्या करेगा हम इसको, हम लोग इसको हम लोग क्या करेगा, इसको ऐसा करके ऐसा करेगा और इसको ये पॉइंट को भी हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा, ताकि ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला देगा और ये बन गया तुम्हारा 15 डिग्री। कैसा लगा, समझ में आया, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन है सर, ये तीनों सीख गए हम लोग, सर हम लोग 120 कैसे बनाएगा, 90 बना दिया तो ये तीन हो जाएगा ठीक है ना। तो हम लोग ये पॉइंट थोड़ा अच्छा समझना समझना पड़ेगा, बढ़िया पॉइंट है। तो लेट्स सी, सेम स्टेप विल टेक वन स्ट्रेट लाइन, स्टेप्स आर सेम, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग ठीक है। सेम एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, बना दिया स्ट्रेट लाइन ठीक है ना, सो सेंटर बनेगा ओ सेंटर, सेम स्टेप्स है, यही है, अपना मर्जी से एक रेडियस ले लेगा यहाँ पे ऐसे करके। लेने के बाद इसको आप सेंटर मान के सेम थिंग आप ऐसा आर्क बनाएगा, बना लिया ना खत्म, फर्स्ट स्टेप खत्म। जो जो इंटरसेक्ट किया, जो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट किया जो लेंथ सेगमेंट को, उसको मान लेगा एम। अब क्या करेगा, इस एम को सेंटर मान के वही रेडियस, सेम रेडियस, रेडियस चेंज मत करो, गलती हो जाएगा तब ठीक है ना। जो रेडियस से बनाया था ना वही रेडियस रहना है आपको, रहना है आपको। ये एम को अभी सेंटर मान के ऐसा आर्क बनाएगा, ये हो गया आप 60। ये कितना हो गया आपका, ये 60 हो गया ना, ये आपका हो गया 60। ये 60 हमको सिटी चाहिए नहीं, हम 60 और वापस बनाएगा, हम इसको सेंटर मान के ना वही लेंथ लेके वापस तो आर्क बना ठीक है ना। तो ये इसको कनेक्ट करो फिर से, ये वो कनेक्ट करो ऐसे करके, देखो ये 60 था, ये वापस और एक 60, ये 60, ये भी वापस और एक 60, तो कितना हो गया दोनों के, देखा है कि नहीं, 120 खत्म, 120 बन चुका हम लोग का, 60 और एक 60 बना देगा, जोड़ देगा दोनों को, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, 120 बन गया। अब क्वेश्चन है भाई साहब कि हम 90 कैसे बनाएगा, तो अभी सीख गया ना, 1 इजी है, 1 दिन तो बहुत इजी, 260 बना दो 120 बन चुका है। अभी क्वेश्चन है सर हम 90 कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ये है, अभी देखो इधर कितना है, सिटी नहीं है क्या, इधर कितना है 60 है, हम लोग ना ये वाला सिटी को फाड़ देगा, अगर ये सिटी को फाड़ देगा तो कितना, ये आधा कितना होगा 30 होगा ना, आप खुद देखो, आप खुद देखो 60 + 30 कितना होगा 90, तो ये 90 बन चुका है। अभी कैसे फाड़ेगा, फाड़ने वाला काम पता है आप लोग को है ना, हम इसको और एक्स्ट्रा दिखाते हैं इसको बना के ठीक है ना, ये मुँह से बोला है, हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे ठीक है ना। सेम थिंग वही मानना होगा आपको, ये आपको क्या मानेगा, सेंटर ओ 1 मान लेता, 2 मान लेता, मान जाए 2 मान लो, काम वही है, काम एक्जैक्टली वही करना है आपको ठीक है ना। इसको सेंटर मान के वैसे आर्क बनाओ, बना चुका है ठीक है ना, और जो पॉइंट कनेक्ट किए उसको आप एम मान लो, और ये एम पॉइंट को लेकर आप एक आर्क बना दे 60, यहाँ पे और मान लें आपका 120 है कि नहीं, 60 120। अभी हम लोग 120 पॉइंट, ये वाला पॉइंट एम, ये वाला पॉइंट और ये पी को पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को लेकर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर आर्क बनाएगा, ताकि इसको फाड़ना होगा, क्योंकि 120 और 60 को फाड़ना होगा। इसको सेंटर मान के हम ऊपर में ऐसे बनाएगा, उसमें भी इसको ऊपर में ऐसे बनाएगा। हम क्या करेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम लोग ये ओर से, ये ओर से हम लोग कनेक्ट कर देगा। कैसा लगा, मज़ा आया ना, यह कितना हो गया 90। देखा क्या क्या हम,
है कि नहीं, ये था आपका 60, ये था 120, हम लोग ये नेक्स्ट वाला 60 को फाड़ दिया बीच में, तो 30 बन गया, ये 30 नहीं है क्या, ये क्या नहीं था पॉइंट। हाँ ये देखो, ये आपका 30 नहीं है, ये 30, ये 30 और ये 60, तो दोनों मिलकर बन गया कितना, 90। क्लियर है, समझ में आए। आइए भाई साहब, अगर 90 सीख गया भाई साहब, 45 कैसे बनाएगा, 45 का आधा कर दो, है कि नहीं, वापस हम बना कर दिखा रहे हैं 45 कैसे बनाना है। 120 सिखा दिया, 90 सिखा दिया, सेम थिंग, लाइन को आप एक्सटेंड करो, लाइन को आप एक्सटेंड करो, बढ़िया सा एक्सटेंड करो, ठीक है ना। आप किसी को भी सेंटर मान लो उसको, और ट्री मान लो, फर्स्ट स्टेप सेंटर मानेगा इसको, सेंटर मान के क्या बनेगा, आर्क बनाएगा ऐसा करके, बढ़िया से हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सेंटर मानेगा, ठीक है ना, इसको जो भी मान लो सेंटर को, और इसको तुम फिक्स मत करो, और कॉम्पास ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, लूज ज़्यादा रख देगा फूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सेंटर मान के, ठीक है ना, ऐसा आग बनाएगा, 60 बन गया, ये बन गया आपको 120, हो गया ना। और ये आपको ऊपर में एक लाइन, ऊपर में कर इस तरह, ऊपर में कर, ये बन गया आपका 90, ये बन गया आपका क्या, बन गया आपका 90। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये मान लो क्यू पॉइंट ले लो, ठीक है ना, ये पॉइंट ये बनी आधा करना है इसको, 45 को आधा, 45 बनाना है, 90 का आधा होता है। तो एम को ऐसे करके ऐसे करो, और क्यू को भी ऐसे करके ऐसे कर, आग बना। अभी वो वाला इंटरसेटिंग पॉइंट्स और ये इसको ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया आपका 45 डिग्री। कैसा लगा, समझ में नहीं आया, 45 भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग बनाना है इसका भी आधा, 45 का आधा कितना होता है, 22 हाफ, है कि नहीं। तो क्या करेगा हम लोग, 45 को फिर वैसे कर देगा, जैसे कि अभी इसको पॉइंट लेगा, इसको इसको पॉइंट लेगा, ठीक है, बाहर में फिर से दो आर्क बना देगा। तो आंसर करता हूँ, देखो यहाँ पे आर्क बना, यहाँ बना देना, फिर से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आर्क बना देगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा, इसी को और इसी को हम लोग क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, ठीक है ना। ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये वाला बन जाए, तो ये जो एंगल है ना, वही कितना आपका 22 हाफ। कैसा लगा, समझ में आया ना। तो आप लोग ये सब चीज़ और एक बार बनाना होगा अच्छे से, तब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। इफ यू फॉरगेट, वीडियो इज हियर, आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है ना गाइस। आई हम तो इसके स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट है, स्टेप्स आपको लिखना होगा। अभी तुम कॉमन सेंस सोचो ना, कॉमनली सोचो कि स्टेप कैसे लिखेगा तुम, बहुत सिंपल है। आप खुद देखो, नहीं 60 बनाने के लिए आप क्या किए, जो 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 काम किए आप उसको इंग्लिश में लिख दो, कैसे लिखिए हम बोल दे रहे हैं मुँह से। आप लोग ये वीडियो सुन के आप लोग लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है, मेक ए स्ट्रेट लाइन, खत्म, है कि नहीं। टेक ए टेक ए कॉम्पस एंड टेक ए रिक्वायर्ड रेडियस, मेक ए आर्क विच इंटरसेक्ट प्रीवियस लाइन सेगमेंट एट द पॉइंट एम, टेकिंग एम ए सेंटर विद द सेम रेडियस, मेक अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, है एंड मार्क दैट आर्क एस एन। नाउ कनेक्ट द पॉइंट एन विद द सेंटर एंड दैट एंगल, द फॉर्म्ड एंगल इज योर रिकॉर्ड एंगल, एंगल 60, खत्म। आगे बढ़ना है तो वो उतना स्टेप तो लिखना ही होगा। नाउ अब 30 बनने के लिए क्या करेगा कि नाउ टेकिंग एम एंड एन है सेंटर, टेक एन आर्क आउटसाइड ऑफ इट, है कि नहीं, एंड कनेक्ट दस इंटरसेक्टिंग लाइन विद द सेंटर एंड दैट रिक्वायर्ड एंगल इज 30 डिग्री। समझ नहीं आए, जो जो बोला है शुद्ध भाषा में लिख लेना उसको, खत्म, ठीक है ना। अभी हम लोग सीखिएगा ये तीनों चीज, इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, जो आप लोग के पास है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले सीखिए, आप लोग क्या सीखिए, हम लोग अभी 75 सीखिएगा, बाद में सीखिए हम लोग नंबर 2, 105, बाद में सीखिएगा 135। ये तीनों में थोड़ा चैलेंज है। अभी कैसे करें, डायरेक्ट तो 75 नहीं निकलेगा, है कि नहीं। क्या करेगा इसके लिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनेगा, 60 बनेगा और हम लोग 15 प्लस कर देगा आप पे, तो कितना होगा 75। अभी हम लोग 15 बनाना सीखा है ऑलरेडी, सीखा था ना 15 बनाना, ये देखो यहाँ पे 15 बनाना सीखा था कि नहीं, वो हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग सीखे 105, डायरेक्टली वी कैन नॉट मेक 105, डायरेक्टली हम लोग नहीं बना सके 105। तो हम लोग क्या करेगा, थोड़ा सा बुद्धि लेगा, बुद्धि बुद्धि पता है ना, बुद्धि क्या है कि नहीं। तो दिमाग यूज़ करेगा आप, कैसे करेगा, दिमाग यूज़ करेगा। तो सुनो, हमको पता है कि 105 कैन यू राइट एज 90 प्लस 45 कितना होगा, नहीं होगा 90 प्लस 15, सॉरी 90 प्लस 15 कितना होगा 105। अरे 90 बनाना सीखा है, फिर बनाना भी सीखा है, खत्म ना। नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ 105, डायरेक्टली वी कैन नॉट ड्रॉ बट वी कैन ब्रेक इन टू पीसेस, दैट इज योर 90 प्लस 45, ये बन जाएगा आपका 135।
सीखे, ठीक है कि नहीं, ये काम करेगा। तो चलो स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं, संडे को बनाते हैं सेम स्टेप्स से। अभी नाउ से इन इंग्लिश, जो जो बोलेगा अब उसको आप बढ़िया से नोट करेगा, उसको वीडियो देख देख के, ठीक है ना। नाउ लेसन क्या बोले, नाउ मैके स्ट्रेट लाइन, मैके स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट स्टेप देखो उसको। टेक ए सेंटर ओ इन द स्ट्रेट लाइन। थर्ड स्टेप, टेक ए रिक्वायर्ड रेडियस विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल, एंड टेकिंग ओ इन सेंटर मेक ए आर्क, मेक ए आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस लाइन एट द पॉइंट एम। फोर्थ स्टेप, टेकिंग एम एज अ सेंटर विद द सेम रेडियस मेक ए आर्क ऑन द प्रीवियस, ऑन द प्रीवियस आर्क, ठीक है ना। तो कनेक्ट दिस आर्क विद द सेंटर एंड नेम द कनेक्टिंग पॉइंट एस एन, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा ना। अभी देखो, अभी अगर इसको हम लोग क्या करेगा, अभी हम लोग 15 चाहिए, 15 15 के लिए करेगा, पहले 90 बनाएगा। देखो यहाँ पे ये कितना है, ये आपका 120 बनेगा ना, 120 मतलब पक्का। ये कितना होगा, 60 हो रहा होगा, हम नहीं। लोग 15 चाहिए। हम लोग क्या करेगा, 60 को दो और भाग करेगा, है कि नहीं। कैसे करे दो और भाग, ध्यान से। अभी 60 को भाग करना आता है कि नहीं, कैसे करेगा। ये एम एन और पी ले लो उसको, अभी एन और पी इसको क्या करेगा, ऐसे आर बनाया था तो यहाँ पे दो। तो ये बन गया तुम्हारा कितना, 90 बन गया ना, था 90 बोले। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपका ये 30 हो रहा है। अभी 30 को फाड़ेगा, अभी समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रहे हैं कि नहीं। 30 को फड़ेगा, अभी 30 को कैसे फड़ेगा, ध्यान से यहाँ पर देखो। इसको सेंटर मारेगा, ऐसा आर्क बनेगा, ये आर्क बनाना था अपना। इसमें कोई कॉमन रेडियस नहीं, आपका मन मर्जी ला सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं मन मर्जी। सो फाड़ देगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे यहाँ का बन गया था 15, कितना बन गया आपका, 15 वाह बढ़िया। और पहले आपका था ही 60, है कि नहीं। तो ये बन गया आपका 75, कैसा लगा, थोड़ा गंदा लगा देखने में। इसको हम लोग और भी क्लीन बना सकते हैं, क्लीन, कैन सी क्लीन, लेट मी शो यू द क्लीन फिगर। इतना सा लाइन जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट दो लाइन से नहीं बनेगा, सिर्फ दो लाइन थोड़ा आंसर बनेगा। समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, हाँ। और इसको आप लोग 1080p में देखना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, दो ध्यान से अभी, ठीक है ना। ध्यान को सेंटर मानेगा, ठीक है ना, सेंटर ओ, ठीक है, डायरेक्ट बनेगा। देखो बिना कितना उल्टा पुल्टा नहीं होगा, इतना सारा गंदा नहीं होगा, डायरेक्ट 75 विल ड्रॉ। सब समझ में आएगी नहीं, फर्स्ट स्टेप तो पता है आपको, आर्क बनेगा, हो गया ना। नाम देगा एम, नेक्स्ट ओका, ये गंदा नहीं करेगा, डर बनाएगा, क्योंकि ये हमको फालतू में लाइन चाहिए भी नहीं है, इसको जस्ट ये पॉइंट मिलने के लिए, है कि नहीं। सेम थिंग, ये असली पॉइंट है। ये काम कोई किया है डॉटल देखे, ये आपका कितना है 70, कैसा लगा, समझ में नहीं आया, आया क्लियर है पर आप लोग का, वेरी यस गुड। अभी हम लोग फोकस होगा इसमें 105। अभी जैसे 15 हम इस तरह बनाया ना, 15 का 90 का इस तरह बनाना होगा, ठीक है ना। इस केस में 90 का इस तरह बनाना होगा, बना देगा, ध्यान सुना। सेम थिंग, वो लेंथ को आप क्या करेगा, अब क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। अब इसको सेंटर बनाएगा किसी पॉइंट को भी,
वी आर गोइंग टू दिस वन 105 नाउ फोकस, ठीक है ना, फोकस करो। सेम थिंग है, बहुत इजी है। क्या करिए, सेंटर मान के इसको आप क्या बनाएगा, आग बनाएगा ऐसे करके बना लिया ये, इसको मान लिया ऐसे 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 90 डायरेक्ट 90 बना दिया। इतना इजीली 90 बना देगा, एक एक्सपर्ट है इसलिए, एक्सपर्ट बंदा होते होते। ये देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसको आप कनेक्ट करेगा यहाँ पे, हम लोग एक्चुअली 90 नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको अभी देखो, ये एक्चुअली एंगल जो कितना है, ये एंगल जो कितना है एक्चुअली 60 नहीं, 30 नहीं है, 30 है ना ये, क्योंकि ये आपका ये हाथ 60 था, है कि नहीं, तो ये 30 है कि नहीं। 30 को फाड़ेगा इसको, 30 को फाड़ेगा बीच में, कैसे फाड़ना है आपको पता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, है कि नहीं। ये एंगल और ये एंगल कितना है, 30 है कि नहीं, ये पूरा मिलकर 60 था, ये पूरा 60 था, तो ये 30 होगा, 30 को फाड़ेगा तो 15, ये 15 होगा, है कि नहीं। हम 15 को फिर से इसको सेंटर मान के ऐसा आर बनाएगा, इसको ऐसा आर बनाएगा। अब इसको एक्चुअली को कनेक्ट करेगा इससे, ये हो गया देखो, ये 90 था है कि नहीं, और ये आपका 15 है, 90 और ये आपका 15, ये पूरा 30 था ना, कितना हो गया मिलके, तो ये यहाँ से जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, ये आपका 105 है। कैसा लगा, समझ में नहीं आया, लास्ट है आपका 135। बहुत सिंपल है ये भी, बहुत सिंपल है ये भी, ध्यान से, ठीक है ना, क्लियर होगी नहीं, हाँ ध्यान से। अभी कैसे बनेगा इसको, सेम सेम प्रोसेस, लाइन सेंटर पॉइंट रिक्वायर्ड लेंथ आर्क दिस पॉइंट टेक अंदर आर्क अंदर आर्क दिस पॉइंट आर्क अपॉन इट अपॉन द लेंथ, सो एम कनेक्ट दिस पॉइंट, हो गया ना, ठीक है ना। 93 बनना है हमको, और 45 बनाना है इस तरफ से, इस तरफ कैसे बनेगा 45 पता है आपको, है कि नहीं। या फिर इसका और एक तरीका है, सला शो यू, और एक इजी तरीका है इसका, और एक इजी तरीका, ऐसा नहीं बना के, और एक इजी तरीका है। तरीका जो क्या है, बहुत सिंपल है। देखो 135 मतलब क्या है, 180 माइनस 45 है कि नहीं। 180 मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्या करेगा, 180 बनाया गया, बाद में उसको 45 बना देगा तो माइनस कर देगा तो खत्म आंसर। हम लोग क्या करेगा, एक साइड में एक कोना में हम लोग 45 बना देगा खत्म। हम लोग अगर देखो ये पूरा लाइन का एंगल कितना होता है, 180 ना। हम लोग क्या करेगा, हम लोग इस तरफ 45 बना देगा, और इस तरफ 45 बना देगा तो यहाँ पे आपको 135 रह जाएगा, क्योंकि 135 प्लस 45 कितना होगा, 180 होता है कि नहीं। तो हम लोग इतना लंबा नहीं बना के, हम लोग 90 प्लस 45 नहीं बना के, हम लोग 180 माइनस 45 कर देगा तो आंसर डायरेक्ट खत्म। कैसा लगा आइडिया, समझ में आएगी नहीं। तो हम लोग बुद्धि लगाते हैं, ये इसको हम लोग एक्सिंग कर देते हैं। ये भी आंसर था, ये बनाया था ना 45 याद है कि नहीं, ये कितना था आपका 45 याद है ना, तो ये एंगल भी आपका कितना है 185 खत्म। लेकिन हम लोग 45 जो हम लोग इस तरह बनाना पड़ेगा, इस तरह मेरा बात ज़्यादा फास्ट हो रहेगा। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ सेंटर मानेगा इसको, हम लोग सेम थिंग काम जो वही करेगा, इसको सेंटर मानेगा आर बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर मानेगा स्क्वायर बनेगा। हम लोग उल्टा 45 बनेगा, जो 45 बनेगा ना, हम लोग उल्टा बनेगा, इस तरह बनेगा 45 जो एंगल जो, समझ में आ रहा है ना, सेम स्टेप है। इसको ऐसे आर बनेगा, इसको ऐसे आर, ऐसे आर 90 बन चुका है, 90 बन चुका है, सेंटर बन गया इसको। हमें जरूरत नहीं है तो हम लोग डॉट डॉट बनाएगा यहाँ पे, जहाँ जरूरत है उसका डाइन बनाएगा वहाँ पे। अब इसको सेंटर बनेगा, ठीक है ना, इसको सेंटर बनेगा, इसको सेंटर बनेगा, इसको कनेक्ट कर देगा। ये कितना एक्चुअली 45 था है कि नहीं, लेकिन उस तरफ कितना बन रहा है हम लोग का, ये 135 बन रहा है। कैसा लगा है, ये आपका 135 बन चुका है, तो आपका आंसर खत्म। क्लियर ना, पूरा बढ़िया से फाड़ू फाड़ू देसी फाड़ू।